नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से अपने नए वीडियो में स्वागत है और मैं उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। तो जी हां किसान भाइयों, आप कई दिनों से डिमांड कर रहे थे और रिक्वायरमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि उमा ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स पे जाइए और एक बार वीडियो बनाकर लाइए। तो किसान भाइयों, आज फिर से मैं उमा ट्रैक्टर पर आ गया हूँ और यहाँ का पूरा स्टॉक दिखाऊँगा कि इनके पास कौन कौन से ट्रैक्टर मिलेंगे, किस रेंज के मिलेंगे, पूरी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो आज हमारे साथ ओनर साहब रहने वाले हैं वो पूरी जानकारी देंगे कि कौन सा ट्रैक्टर क्या मॉडल है, किस रेंज का है, क्या प्राइस है और कहाँ के नंबर है, पूरी जानकारी बताएंगे कि लोन होगा या नहीं होगा और यहाँ की एजेंसी की एड्रेस वगैरह पूरी जानकारी हमें बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सर, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। तो सर, एक बार आप यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। यस सर, किशनगढ़ में उमा ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स। अच्छा जी, हाँ सर, तोला मॉल। अच्छा जी, तो सर यहाँ की जो फैसिलिटीज है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी अगर कोई किसान भाई आएगा तो, वो पूरी बता दीजिए एक बार। सर, यहाँ जो भी ट्रैक्टर लेगा वो लोन हम करवा देंगे। अच्छा जी, सारे जो भी दिक्कत कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर कस्टमर यहाँ पर आएगा तो बिल्कुल संतुष्ट होकर जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों से लोन सभी बैंकों से करवा दोगे और लगभग ट्रैक्टर के मॉडल के हिसाब से लोन हो जाएगा वो, कि कितने परसेंट है बाकी किसान भाई की सिविल पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो देख लीजिए किसान भाई, वो लोन भी होगा, सभी फैसिलिटीज आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर आप इनकी डीलरशिप पे आते हो तो बिल्कुल संतुष्ट होकर ही जाओगे। तो आप एक बार यहाँ बता दीजिए हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक मिलेगा ट्रैक्टरों का। सारे मिल जाएंगे लेकिन मेसी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, मेसी का बहुत ही ज्यादा मिलेगा और आपके मेसी की एजेंसी भी है। अगर कोई नया ट्रैक्टर परचेज करने चाहता हो अजमेर या यहाँ आसपास के एरिया से, तो यहाँ पे मेसी का स्टॉक आपको नए वाले में भी देखने को मिल जाएंगे। आप नया अगर कोई सा भी ट्रैक्टर परचेज करना चाहते हो मेसी का तो वो भी देखने को मिलेगा। अच्छा जी सर, तो मेसी का स्टॉक ज़्यादा देखने का मिलेगा। तो सर, आज हमारे पास कौन कौन सी रेंज के ट्रैक्टर मिलने वाले हैं? सभी रेंज के मिल जाएंगे। सबसे कम कितनी रेंज में मिल जाएगा यहाँ पर? सबसे कम 1.5 लाख रुपए तक मिल। अच्छा, देख लीजिए किसान भाई, अगर कोई गरीब किसान भाई हो या कम खेती वाला हो तो उसको भी यहाँ पर ट्रैक्टर मिल जाएगा। कम और लो बजट के अंदर, उसके बजट के हिसाब से यहाँ पर ट्रैक्टर मिलेंगे और बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रैक्टर से कि कौन सा ट्रैक्टर ये। सर, इसके बारे में बता दीजिए। सर, ये 2013 मॉडल है। अच्छा जी, 1035 DI गोल्ड शेप के अंदर। हाँ जी, और राजस्थान में क्या है ना, सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसी ट्रैक्टर की है। हाँ जी, तो सर इसकी प्राइस बता दीजिए। 3.25 लाख रुपये। 3.25 लाख रुपये। तो सर, आप जो ये प्राइस बता रहे हो, ये ऑन टेबल आप किसान भाई आएगा तो उसका मान सम्मान तो रखोगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे। यानी कोई होगा कम ज़्यादा वो करके दे दोगे आप। देख लीजिए किसान भाई, अगर आप इनकी डीलरशिप पर आते हो तो आपका मान सम्मान भी बिल्कुल रखा जाएगा। तो देख लीजिए बिल्कुल चारों तरफ से एक बार किसान भाई को ट्रैक्टर दिखा दीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर है, बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ओरिजिनल देखने को मिलेगा और 2013 मॉडल ट्रैक्टर है, बिल्कुल फ्रेश देखने को मिलेगा। किसान भाई, आप देख सकते हो कोई इशू रहने वाला नहीं है, चारों तरफ से देख लीजिए किसी प्रकार का। तो सर, इसके बारे में बता दीजिए। अब ये सर 2012 मॉडल है। सर, अच्छा जी, 2012 मॉडल है। तो सर, इसकी क्या रेंज कर रखी है? 2,57,000। 2,57,000 के अंदर कैश डिमांड है इसकी। हाँ जी, और ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। तो सर, ये एवरेज माने कि कितने घंटे तक चला होगा तो आप बता सकते हो इसका अनुमान से? लमसम 4,000-5,000 घंटे। हाँ, तो 12 मॉडल है तो इतना तो चला ही होगा। चला, तो देख लीजिए किसान भाई, बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल चालू कंडीशन में ट्रैक्टर मिलेंगे यहाँ पर। जो भी ट्रैक्टर हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं वो बिल्कुल चालू हालत में देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर हैं, कोई किसी प्रकार का इशू रहने वाला नहीं है। आप जो यहाँ से ट्रैक्टर अगर कोई किसान भाई आता है, देखता है, उसको पसंद आता है और बिल्कुल जो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हो वही ट्रैक्टर दोगे? वही ट्रैक्टर बिल्कुल वही मिलेगा, वही मिलेगा और उसी प्राइस में मिलेगा, उसी प्राइस, उससे भी कम होगा या ऑन टेबल जो जो भी होगा वो हम बैठ के जो भी कर लेंगे। अच्छा जी, तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छा स्टॉक है इनके पास, और भी दिखा देता हूँ मैं ट्रैक्टर, बहुत ही अच्छा स्टॉक रहने वाला है। इसके बारे में बता दीजिए सर। ये 95 मॉडल है सर। अच्छा जी, देख लीजिए किसान भाई, वो कई किसान भाई डिमांड करते रहते हैं कि ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर दिखाइए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है कम खेती वाला अगर कोई किसान। हाँ, भाई हो तो सर, इसकी क्या प्राइस कर रही है? 2 लाख रुपये सर। 2 लाख रुपये। हाँ, तो देख लीजिए किसान भाई, ओनली फॉर 2 लाख रुपये के अंदर बिल्कुल चारों टायर नए, देख सकते हो आप चारों टायर। सर, इसके इंजन कितने परसेंट तक मिलेगा? सर, इंजन मिल जाएगा इसका 50% लगभग, आधा इंजन मिल जाएगा। तो देख लीजिए किसान भाई, लगभग आधा इंजन आपको ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। एक बार दिखा दीजिए किसान भाई को ट्रैक्टर, दिखा दीजिए, देख सकते हो टायर, देख लीजिए किसान भाई, आगे पीछे से लगभग 90% नए टायर देखने को मिलेंगे MRF के, और इंजन लगभग आपको 50% मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो इसकी डिमांड है 2 लाख रुपये। तो देख लीजिए किसान भाई, कोई इशू रहने वाला नहीं है, बिल्कुल चालू हालत में ट्रैक्टर है। इसके बारे में बता दीजिए सर।
वो भी सर कितने मॉडल? सर 2001 मॉडल की समथिंग है ये। हाँ 2001 मॉडल की समथिंग है। अच्छा जी, तो सर इसकी क्या प्राइस कर रही है? इसकी सर 2 लाख रुपए होगी। 2 लाख रुपए इसकी डिमांड है। हाँ सर। जयश्री के अंदर है ये सर 241। जयश्री सर 241। अच्छा जी, तो देख लीजिए किसान भाई 241 के अंदर है, जयश्री में बहुत ही अच्छा है। आगे पीछे के टायर लगभग आपको 20-30% मिलेंगे और बिल्कुल चालू हालत में है। बिल्कुल चालू हालत। ये कोई धूल वगैरह चढ़ी हुई वो बाहर तो रहने की वजह से? बाहर रहने की वजह से। अच्छा जी, और बिल्कुल बॉडी पे कोई कलर रिपेंट नहीं है? कंपनी के साथ का ओरिजिनल कलर है। ओरिजिनल कलर, बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर है। तो देख सकते हो किसान भाई कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चालू हालत के ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे। इनके पास मेसी का स्टॉक मिलेगा, इसके साथ साथ और भी कई ट्रैक्टर है वो भी देखने को मिलेंगे कंपनियों के। सर इस फार्म ट्रैक के बारे में बता दीजिए। ये सर फार्म ट्रैक 45 है सर। अच्छा जी, सर ये क्या मॉडल है? 2011 मॉडल है। अच्छा 2011 मॉडल है। सर इसकी क्या रेंज कर रखी है? इसकी रेंज है सर 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये रेंज है। तो देख लीजिए किसान भाई, वो कई किसान भाई डिमांड करते रहते हैं कि कोई फार्म ट्रैक में दिखाइए, तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, बहुत ही शानदार कंडीशन का देखने को मिलेगा। एक बार किसान भाइयों को दिखा दीजिए आप चारों तरफ से ट्रैक्टर, जिससे कि बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। सामने ऐसे वो फिर शॉर्ट्स कट जाएंगे उसमें। तो देख लीजिए किसान भाई बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ से देख सकते हो, बिल्कुल चालू हालत में देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है। बॉडी पे कलर है जो कंपनी के साथ का है, कोई रिपेंट वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। सर इसके बारे में बता दीजिए आगे वाले के बारे में। ये सर 2009 मॉडल है। 2009 मॉडल है। तो देख लीजिए किसान भाई, वो बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी के साथ का पेंट है। अच्छा जी, तो देख सकते हो। और इसकी क्या प्राइस कर रखी है सर? इसकी प्राइस है सर 2,65,000। 2,65,000 रुपये इसकी कैश डिमांड है। और टायर देख सकते हो आगे के नए हैं, MRF के टायर देखने को मिलेंगे, पीछे के लगभग आपको 10% टायर मिल जाएंगे। देख लीजिए, और बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। और आफ्टर मार्केट इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो किसान भाई, बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए किसान भाई, कोई किसी प्रकार का इशू रहने वाला नहीं है। देख लीजिए किसान भाई, इसके बारे में बता दीजिए सर। ये सर 2010 मॉडल है। अच्छा, 2010 मॉडल है। और इसकी क्या प्राइस कर रखी है सर? इसकी 3 लाख रुपये कर रखी है सर। 3 लाख रुपये इसकी कैश डिमांड है। तो देख लीजिए किसान भाई, बिल्कुल शानदार गोल शेप के अंदर 10-35 DI। सर क्या मॉडल बताया आपने? 2010 मॉडल। 2010 मॉडल है और बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, धूल वगैरह चढ़ी हुई ट्रैक्टर में, वरना बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर है, कंपनी के साथ का कलर है और बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ओरिजिनल देखने को मिलेगा। प्राइस कोई किसान भाई फिक्स नहीं है, ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान बिल्कुल रखा जाएगा। देख लीजिए सर, इसमें इंजन कितने परसेंट तक मिल जाएगा? इसमें इंजन मिल जाएगा सर आपको आधा मिल जाएगा सर। अच्छा जी, 50%। तो सर इन पे अगर कोई किसान भाई लोन वगैरह करवाना चाहता हो तो कितने परसेंट तक लोन हो जाएगा? सर इसकी जो फाइनेंस वाला तभी बता देगा कितने का होगा। अच्छा जी, फिर भी ऐसे अनुमान से लगभग 70-75% तक हो जाएगा। हाँ 70-75% तक। हाँ 10 मॉडल से ऊपर या 8 मॉडल से ऊपर ये सभी ट्रैक्टरों पे लगभग 70-80% तक लोन हो जाता है। तो देख लीजिए किसान भाई, लोन की फैसिलिटी भी मिलेगी, आप चाहोगे उस बैंक से करवा देंगे, आप खुद भी करवा सकते हो, और ये इनके पास भी एजेंट वगैरह है तो ये खुद भी करवा सकते हैं आपके लोन वगैरह, कोई इशू रहेगा नहीं। सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों से लोन वगैरह हो जाएगा आपके। तो देख लीजिए किसान भाई, कोई इशू नहीं है। इसके बारे में बता दीजिए सर। ये 2012 मॉडल है। हाँ जी, 2,90,000 का। 2,90,000 इसकी डिमांड कर रखी है। तो देख लीजिए किसान भाई, गोल शेप के अंदर है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, 10-35 DI। और राजस्थान के जो ज़्यादातर पर्सन होते हैं वो इसी ट्रैक्टर की डिमांड करते हैं। तो देख सकते हो बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चालू हालत में है। चालू हालत में। सर इसका इंजन कितने परसेंट तक मिल जाएगा? इंजन मिल जाएगा आपको 75%। 70-75%। तो देख लीजिए, बिल्कुल चालू हालत में देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए किसान भाई, टायर वगैरह देख सकते हो, लगभग आपको 20-30% टायर मिल जाएंगे इसमें आगे पीछे के, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चालू हालत के ट्रैक्टर हैं, देख सकते हो। और इनके पास गोल शेप के अंदर बहुत ही अच्छा स्टॉक है किसान भाइयों, आगे आ जाइए, इसके बारे में बता दीजिए। ये 2012 मॉडल है, 3,45। 3,45,000। अच्छा जी, देख लीजिए 2012 मॉडल है और 3,45,000 रुपये इसकी डिमांड है। बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, बिल्कुल शानदार कंपनी के साथ का पेंट है, कोई रिपेंट नहीं है। रिपेंट कोई से भी। और कई किसान भाई बोलते रहते हैं कि हम वहाँ पे आप वीडियो में तो अच्छे ट्रैक्टर दिखाते हो, वहाँ पे जाते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड वगैरह होता है, तो वैसा तो कोई ऐसा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है, नहीं। जैसा आप वीडियो में दिखा रहे हो वही ट्रैक्टर, वही ट्रैक्टर मिलेगा आपको। अच्छा, वही ट्रैक्टर मिलेगा और प्राइस का भी कोई इशू नहीं है? वही प्राइस इशू नहीं है, जो होगा वो
5-10 हज़ार रुपये कुछ भी होगा। अच्छा जी, वो हम कर मान सम्मान आप रख दोगे किसान भाई का, तो देख लीजिए किसान भाई, वो आपके साथ बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं होगा। जो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है वीडियो के माध्यम से, वही पैसे वगैरह आपसे लिए जाएंगे। तो देख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। टायर वगैरह देख लीजिए, लगभग आपको 40-50% टायर मिलेंगे। सर इंजन कितने परसेंट तक मिलेगा इसका? इंजन मिल जाएगा आपको 40-45 40-45%। तो देख लीजिए किसान भाई, इंजन वगैरह देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनलिटी जो चीज़ आपको बता रहे हैं वही मिलेगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा किसान भाई, वो देख सकते हो। और सर उस तरफ का स्टॉक है वो भी दिखा दीजिए एक बार आप। ये सर 2001 मॉडल है। अच्छा जी, 2001 मॉडल है। सर इसकी क्या प्राइस कर रखी है? इसकी प्राइस करिए 2,20,000 रुपये। 2,20,000 रुपये इसकी कैश डिमांड है। कैश डिमांड है। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, बिल्कुल चालू हालत में देखने को मिलेगा। इंजन कितने परसेंट तक मिल जाएंगे? इंजन मिल जाएगा 30-35। अच्छा जी, तो जो किसान भाई क्या होते हैं ना, ये सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेते हैं, तो सबसे पहले वो इंजन की बात करते हैं कि भाई इतना पुराना ट्रैक्टर ले रहे हैं मॉडल में, तो इंजन वगैरह कितने परसेंट है, तो उसके लिए पूछते रहते हैं कि इंजन कितने परसेंट है। सर इसकी प्राइस क्या बताई? 2,20,000 रुपये इसकी केस डिमांड है। देख सकते हो किसान भाई, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। आगे के टायर लगभग आपको 70% मिलेंगे और पीछे के लगभग आपको 20-30% मिल जाएंगे। तो देख लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल चालू वाले तुम्हें ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे, कोई इशू रहने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैक्टर है। इसके बारे में बता दीजिए सर। सर ये महिंद्रा का 575 है। अच्छा, महिंद्रा का 575। हाँ, तो सर इसके बारे में बता दीजिए। ये 96 मॉडल है। हाँ जी, 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। तो देख लीजिए किसान भाई, महिंद्रा की भी कहीं किसान भाई डिमांड करते रहते हैं कि कोई सेकंड हैंड ट्रैक्टर दिखाओ, तो बहुत ही अच्छा है। आगे के टायर बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे आपको अपोलो के, और पीछे के लगभग आपको 10-12% टायर पीछे के भी देखने को मिल जाएंगे और बिल्कुल चालू हालत में। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही हैवी ट्रैक्टर है। आप देख सकते हो, कोई किसान भाई लेना चाहता हो महिंद्रा का तो देख सकते हो, सेकंड हैंड ट्रैक्टर है, बहुत ही अच्छा है, कोई इशू रहने वाला नहीं है। सर इसके बारे में बता दीजिए। सर ये 97 मॉडल है सर। अच्छा जी, 1035 DI। हाँ सर। तो देख लीजिए किसान भाई, 1997 मॉडल है और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, कोई इशू नहीं है। बताइए इसके बारे में प्राइस। 1,20,000। 1,20,000 रुपये, यानी कि बिल्कुल लोहे के भाव में ट्रैक्टर है। तो देख लीजिए किसान भाई, अगर आप कोई गरीब किसान भाई भी लेने वाला हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, शानदार और लोहे के भाव में ट्रैक्टर मिल रहा है। और पीछे के टायर और आगे टायरों की बात करिए तो पीछे के तो बिल्कुल नए हैं, लगभग आपको 80% पीछे के टायर देखने को मिल जाएंगे। और आगे के टायरों की बात करें किसान भाई, तो आगे के भी लगभग आपको 10-20% देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल चालू हालत में है। बिल्कुल चालू हालत। सर इंजन कितने परसेंट तक मिलेगा? इंजन मिल जाएगा आपको 50% इंजन मिल जाएगा। बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, कंपनी के साथ का कलर है, कोई रिपेंट वगैरह नहीं है। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। सर अगले ट्रैक्टर के बारे में बता दीजिए। ये 2012 मॉडल है। अच्छा, 2012 मॉडल, 1035 DI है। 1035 DI। तो देख लीजिए किसान भाई, सर इसकी मरकरार तो मेसी की लगी हुई है। हाँ सर, इस पे ये लगा हुआ नहीं। अच्छा, बॉडी नहीं डली हुई है। हाँ। अच्छा जी, तो देख लीजिए किसान भाई, 1035 DI है। और सर इसके इंजन वगैरह कितने परसेंट मिलेगा? इसका इंजन मिल जाएगा आपको 30-35%। 30-35% इंजन मिल जाएगा। सर इसकी प्राइस क्या कर रही है? इसकी प्राइस कर रही है 1,20,000। 1,20,000 रुपये इसकी डिमांड है। और बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ओरिजिनल है। तो देख लीजिए किसान भाई, आगे के टायर लगभग आपको 50% तक मिल जाएंगे, 30-40% कंप्लीट मिलेंगे। और पीछे के टायर आपको लगभग 10-15% मिल जाएंगे। देख लीजिए किसान भाई, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल चालू ट्रैक्टर है, किसी प्रकार का कोई इशू रहने वाला नहीं है। आप एक बार इनकी डीलरशिप पर आइए, उमा ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स के ऊपर आइए और एक बार विजिट कीजिए, आपको एक नहीं कई सारे ट्रैक्टर मिलेंगे। जो भी आप एक बार, आपको कोई ना कोई ट्रैक्टर बिल्कुल पसंद आएगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिलेगा ट्रैक्टरों का। एक बार आइए इनकी डीलरशिप पे विजिट कीजिए, पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप उनसे बात करके और यहाँ का एड्रेस वगैरह की पूरी जानकारी ले सकते हो, ट्रैक्टरों के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। इसके बारे में बता दीजिए सर। ये सर 2002 मॉडल है सर। अच्छा, 2002 मॉडल है सर। इसकी क्या प्राइस कर रखी है? इसकी प्राइस कर रखी है सर 1,20,000। 1,20,000 रुपये इसकी डिमांड है। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। किसान भाई डिमांड करते रहते हैं कि कोई सेकंड हैंड में 2001 2002 इस सीरीज़ के या 19 सीरीज़ के सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है ट्रैक्टरों की। गरीब किसान भाई या कम खेती वाला किसान भाई रहता है, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। टायर देख लीजिए किसान भाई, वो पीछे के टायर लगभग आपको 20-30% मिलेंगे और आगे के लगभग टायर किसान भाई आपको 90% तक नए मिलेंगे MRF के।
सर इंजन की बात करें तो कितने परसेंट मिलेगा इसका? इंजन मिल जाएगा आपको 30-40% का आराम से, 30-40% करीबन अच्छा इंजन मिल जाएगा। तो देख लीजिए किसान भाई, इंजन की बात करें तो लगभग 30-40% इंजन भी मिल जाएगा। अगले ट्रैक्टर के बारे में बता दीजिए सर। ये सर महिंद्रा का 575 है। अच्छा 575 है, हाँ जी सर। इसकी क्या प्राइस कर रखी है? इसकी प्राइस है सर 1,41,000 रुपये। 1,41,000 रुपये, यानी बिल्कुल लोहे के भाव में ट्रैक्टर मिलेगा। अगर महिंद्रा का कोई इच्छुक हो किसान भाई, बिल्कुल ओल्ड ट्रैक्टर है वैसे तो, और बिल्कुल चालू मिलेगा, लगभग चालू मिल जाएगा वैसे ट्रैक्टर। तो देख लीजिए किसान भाई, बिल्कुल चालू है। आगे के टायर आपको लगभग 20-30 कंप्लीट मिल जाएंगे, कट वगैरह लगे हुए, लेकिन बहुत ही अच्छे टायर हैं। और पीछे के लगभग आपको 10% टायर मिल जाएंगे इसमें। इंजन कितने परसेंट तक मिलेगा? इंजन इसका मिल जाएगा आपको 20-25% इंजन मिल जाएगा। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, बिल्कुल चारों तरफ से चेकआउट करवा दीजिए किसान भाइयों को, कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है। सर इसके बारे में बता दीजिए। ये 95 मॉडल है। अच्छा जी, हाँ जी। इसकी रेट है 1,95,000। 1,95,000। तो देख लीजिए किसान भाई, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, बॉडी लाइन से कोई इशू नहीं है, कंपनी के साथ का कलर है, कोई रिपेंट नहीं है, धूल वगैरह चढ़ी हुई ट्रैक्टरों पे, कई दिनों से बाहर खड़े हुए स्टॉक के अंदर, उस वजह से है। बाकी बॉडी पे जो कलर है वो कंपनी के साथ का कोई रिपेंट नहीं है, ओरिजिनल कलर है जो भी ट्रैक्टर। तो देख लीजिए किसान भाई, लगभग सर इसका इंजन कितने परसेंट तक मिलेगा? इसका इंजन मिल जाएगा 40-35% तक, 40-45% तक इसका इंजन मिल जाएगा। और टायर देख सकते हो किसान भाई, पीछे के लगभग आपको, पीछे और आगे के लगभग 50% टायर मिलेंगे। देख लीजिए किसान भाई, बिल्कुल चालू ट्रैक्टर है, बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ओरिजिनल है। आप एक बार इनकी डीलरशिप पर जरूर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिलेगा। इसके बारे में बता दीजिए सर। फॉर्म ट्रैक, फॉर्म ट्रैक 45, हाँ जी सर। ये 2020 मॉडल है। 2020 मॉडल है? नहीं सर, 2020 नहीं है सर, 2002 मॉडल होगा शायद। ये एक मॉडल में कंफ्यूजन है सर। प्राइस देख लीजिए एक बार इसकी, क्या प्राइस कर रखी है? प्राइस भी नहीं दी हुई है। तो देख लीजिए किसान भाई, वो बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। फॉर्म ट्रैक सीरीज में भी अगर आप लेना चाहते हो तो एक बार डीलरशिप पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। आइए और देख लीजिए एक बार, कोई इशू रहने वाला नहीं है। इसके बारे में बता दीजिए। ये सर ये 2002 मॉडल है। अच्छा जी, इसके बारे में दोबारा बता दीजिए एक बार, इसके बारे में। 2002 मॉडल है, हाँ जी 2002 मॉडल है। और सर इसकी क्या प्राइस कर रखी है? रेट कर रखी है 1,50,000। 1,50,000 रुपये। तो देख लीजिए 241 DI है। कई किसान भाई डिमांड करते रहते हैं JCD सीरीज में ट्रैक्टर दिखाओ, तो बिल्कुल शानदार कंडीशन का है। आगे के टायर लगभग आपको 10% मिलेंगे, रिमोट टायर है आगे ये, और पीछे के लगभग आपको 20-30% टायर पीछे के देखने को मिल जाएंगे। सर इसका इंजन कितने परसेंट तक मिल जाएगा? इसका इंजन मिल जाएगा आपको 40-45% मिल जाएगा। तो देख लीजिए किसान भाई, इनके पास जो स्टॉक का मैंने इस तरफ का दिखा दिया है, दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड में वहाँ उस तरफ का स्टॉक भी आपको दिखा दूंगा। तो सर एक बार यहाँ का प्रॉपर एड्रेस है वो बता दीजिए किसान भाइयों। किशनगढ़ में उमा ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स। अच्छा जी, तोला मॉल। तो देख लीजिए किसान भाई, इनकी डीलरशिप पे आइए, विजिट कीजिए, आपको एक नहीं कई सारे ट्रैक्टर, बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिलेगा। तो आइए और एक बार विजिट कीजिए, और स्टॉक है वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको चेकआउट करवा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नहीं हो किसान भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद सर।